है। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, इसको एक चोर कोटरिया या इसको कुछ बोलते हैं लोकल में, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों का जो लास्ट कंस्ट्रक्शन था वो है ये। यहाँ पर ये पुल बना है, ऊपर की साइड में एक नहर बहती है गंगा नदी, उसको हजारा नहर बोलते हैं। नीचे की साइड से काली नदी बहकर जाती है, ये काली नदी है। ये वाला जो पुल है ना, ब्रिज, ये अभी बना था अंग्रेज़ों के बाद, लेकिन जिस पर हम अभी खड़े हैं ना, इस पर चल रहे हैं, और ये नहर निकल के जाती है, ये वाली, ये हयारा नहर बोलते हैं। ये गंगा नदी नदी से होकर आती है, वहीं से निकली है ये। जब अंग्रेज 1885 में ये अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था इसे बनाना, 1885 में स्टार्ट किया था, और 4 साल लगे थे इसे बनाने में। तो 1889 में ये कम्प्लीट हो गया था ये वाला ब्रिज, और ये काफ़ी एक यूनिक इनका कंस्ट्रक्शन था। इनकी इंजीनियरिंग काफ़ी यूनिक थी उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम तो इतना कुछ था ही नहीं। और अभी लगभग 125 साल हो गए हैं इसे बने हुए, 125 साल में इसका लगभग ये टूटा है। देखो ईंटें कितनी काफ़ी मजबूत हैं, और अभी की ईंटें और पुरानी ईंटों में काफ़ी फ़र्क होता है। इसका देखो ईंटें अभी भी मजबूत हैं, काफ़ी जलेगी नहीं। और अपनी अभी जो ईंटें बनती है ना, वो काफ़ी थर्ड क्वालिटी की होती हैं, बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन जो पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ बना के गए थे ना, उसकी क्वालिटी कुछ अलग थी। और इसके नीचे आप देख सकती हो, ये काली नदी है, और ये काली नदी इसके नीचे से निकल के जाती है, और ऊपर ये हयारा नहर निकल के जा रही है। और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, इसको चोर कोटरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें नीचे आर पार जाने के लिए रास्ता है। आप यहाँ से घुसोगे इसमें, और यहाँ से घुसने के बाद इसके नीचे से होते हुए इधर से सामने वाली उसमें जाके निकलोगे, उसमें ऐसे ही कई सारी बनी हुई हैं। उधर ही साइड वो है, ये है, और उधर ये है, ये कमाल की कारीगरी है अंग्रेजों की। डिजाइन देखो क्या, 4 साल में उन्होंने बना के ये तैयार किया था, लेकिन हम कह सकते हैं उस टाइम का जो सिंचाई विभाग था उनकी, ये 1885 में सिंचाई विभाग ने इसको बना के गए थे। सिंचाई विभाग उस टाइम सिंचाई विभाग भी था अपने इंडिया में जब अंग्रेज थे, और ये सिंचाई के लिए ही ये सारी व्यवस्था की गई थी उस टाइम। अंग्रेज इसको जब वो अंग्रेज जाने वाले थे, उनका ये लास्ट बिल्कुल जब जाने वाले थे उस टाइम ये बना के गए थे। यहाँ से जाने उनकी जाने की तैयारी थी, उससे पहले उन्होंने ये कंप्लीट कर दिया था। थे अंग्रेज, इसकी जो कैपेसिटी है ना पानी बहन करने की या स्टोर करने की, 7,095 क्यूबिक है, क्यूसेक है, क्यूसेक एक इकाई होती है, वाटर या कोई भी लिक्विड हो जिसको, जिससे पाइप से या किसी पुल से होके हुए से नापा जाता है क्यूसेक में। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में लगभग 2 लाख लीटर इससे पानी गुजर सकता है। तो लगभग 125 साल हो चुके हैं और इतना पानी इससे होते हुए आता है, तो इतना कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है इस पुल को 125 सालों में।
काफी अच्छा है कारीगरी इसकी, इंजीनियरिंग। अभी वो जो अंग्रेज जाने के बाद वो वाला पुल बना था, वो वाला साइड से। अभी उधर की साइड जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ उसमें क्या है, इसमें और उसमें अंदर क्या है। वो सारा कंक्रीट का बना हुआ है, ये कंक्रीट का बना हुआ है और ये सारा ईंटों का बना हुआ है, ईंट चूना। 125 साल तक ये ईंटों से बना हुआ पुल अभी भी डटा है। अब इसको देख सकते हो नीचे की साइड, नीचे भी ईंटों का ही बना हुआ है। वो देखो ये सब ईंटों का बना हुआ ऊपर से लेके नीचे तक। अभी हम जो ब्रिज है उसके नीचे जा रहे हैं और नीचे से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसा है। ये अंग्रेजों के बाद बना ब्रिज है ये वाला, और इधर वाला है ये तो आपको वैसे ही मालूम पड़ रहा होगा कितना पुराना होगा, किले जैसा लग रहा है ये ब्रिज। अरे यार नीचे तो बेहस बोल रही है, काफी सुंदर लग रहा है नीचे से तो। अबे यार अंदर जाने का रास्ता है तो इधर से क्या तो है? हाँ जी इधर से जाएंगे। बेहस बेहस तो उधर बहुत है नीचे की साइड। चलो देख ले क्या कर रहे हैं, कोई ज्यादा ठंड नहीं होगा, पार है पार। आए चलते हैं, गांव वालों ने नीचे भैंसे बांध रखी है बहुत सारी। अब तो काफ़ी पुराना हो गया पुल, इसलिए पानी नीचे से जोर रिस रहा है। ये देखो पानी टपक रहा है इधर से, पुराना हो गया है तो कुछ तो बदलेगा। मुझे लगा रहा था ये कमरे होंगे आर पार के, लेकिन ये सपोर्ट के लिए है इसमें। अब इधर से रास्ता है उसमें देखते हैं क्या है, अगर जा सकते हैं क्या। कौन सा रास्ता है? यही है ये वाला। इसके ऊपर है नहर और मतलब पता ही नहीं है। और ये तो काफी पुराना है, ये काली नदी है पर इसमें अब पानी नहीं है, पानी कम। ये नदी यार आने का रास्ता खत्म हो गई ये वाली, तो ये काली नदी तो खत्म हो गई बिल्कुल खत्म, ऊपर ही वाली रही है वो उधर से आ रही है शायद पानी है। किधर से आए थे? इधर से है, इधर से नहीं इधर से। हट ये नहीं है, तो बहुत गर्मी है यार, हवा निकल गई। हाँ
जो अंग्रेजों वाला पुल था उसके बाद ये वाला बना था, ये भी कुछ अलग ही बना है। इसके भी ऊपर से नहर जाती है निकल के, इसके ऊपर एक और पुल है। ये नहर जा रही है, देखो आपको दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है नीचे से तो काली नदी गई है नीचे के साइड से, उसके ऊपर पुल है, उसके ऊपर पानी नहर निकली हुई है, ये वाली पानी आ रहा है काफ़ी तेज बहाव में, ये निकल के आ रहा है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ऊपर की साइड में पुल है, इस पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, गाड़ियाँ फोर व्हीलर काफ़ी बड़ा है। और इसके ऊपर यूनिक अभी स्ट्रक्चर और है, इसके ऊपर ये चलने का भी है देखो। अबे तेरी जी तो अबे रानी तो कूद गया रे। अभी तो काम चल रहा है ब्रिज बनने के लिए, देखो और बन रहा है इधर एक और। इसके ऊपर नहीं निकलेगी नहर लग रहा है मुझे, नहीं इसके ऊपर नहीं निकलेगी। चलो यार अब चलते हैं, काफी देर हो गई यहाँ पर।